नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 28 में। ये बात करते हैं महाराष्ट्र की कुछ खास खबरों की। नागपुर के सावनेर में पूर्व मंत्री केदार के हाथों दिव्यांगों को साहित्य वितरण। खबर महाराष्ट्र के नागपुर की सावनेर है। समाज कल्याण विभाग, जिला परिषद नागपुर, स्वास्थ्य विभाग, अलीम को कानपुर, समीकेत क्षेत्रीय कौशल्य विकास पुनर्वास दिव्यांग जन सशक्ति केंद्र CRC नागपुर के संयुक्त प्रयासों से करीब 410 दिव्यांगों को तीन पहिया साइकिल, दिव्यांगों के लिए बने विशेष मोबाइल, कृत्रिम हाथ, पैर, कमर, गला, पीठ आदि के बेल्ट, चश्मे, कर्ण यंत्र, ब्लाइंड स्टिक आदि जैसे करीब 855 साहित्यों का वितरण पूर्व पशु संवर्धन, दुग्ध विकास, क्रीडा तथा युवा कल्याण मंत्री सुनील केदार के हाथों जिला परिषद नागपुर की अध्यक्षता मुक्ताताई कोकरडे, उपाध्यक्षा कुंदाताई राउत, समाज कल्याण सभापति मिलिंद चुटे, पूर्व जिला परिषद उपाध्यक्ष मनोहर कुम्भारे आदि की उपस्थिति में वितरण किया गया। इस अवसर पर पूर्व मंत्री सुनील केदार ने अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा कि सावनेर विधानसभा ही नहीं अपितु नागपुर जिले के प्रत्येक गांवों का सर्वेक्षण कर दिव्यांगों की पहचान कर उन्हें समाज कल्याण विभाग द्वारा दी जाने वाली सुविधाओं के साथ साथ संजय गांधी निराधार योजना तथा उससे समकक्ष योजनाओं का लाभ दिलाकर उन्हें समाज की मुख्य धारा में लाने हेतु हमारे प्रयास होने चाहिए। उनकी समस्याएं और तकलीफों का ग्राम स्तर पर ही निराकरण हो, ऐसी उपाय योजना जिला परिषद नागपुर द्वारा की जाए, ऐसी विनती इस अवसर पर नागपुर जिला परिषद के पदाधिकारियों से की। वही जिला परिषद अध्यक्षा मुक्ताताई कोकरडे ने अपने वक्तव्य में कहा कि वे ग्रामीण क्षेत्र की होने से उन्हें दिव्यांगों के साथ साथ ग्रामीण अंचलों की समस्याएं पता है और वे इसके निराकरण हेतु सतत प्रयासरत होने की बात कही। इस अवसर पर सावनेर तालुका के दूर दराज के गांवों से पहुंचे करीब 410 दिव्यांगों को सामग्री वितरित की गयी। पंचायत समिति सावनेर के सभागृह में सम्पन्न इस भव्य आयोजन में सावनेर पंचायत समिति सभापति अरुणाताई शिंदे, उपसभापति राहुल तिवारी, जिला परिषद सदस्य सुमित्राताई मनोहर कुम्भारे, प्रकाश खापरे, पूर्व उपसभापति प्रकाश पराते, पंचायत समिति सदस्य गोविंदा ठाकरे आदि प्रमुख रूप से उपस्थित थे। सावनेर संवाददाता मुकेश छरबड़े की रिपोर्ट।